मेरे को रोकने की क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ये छुपाना चाहते हैं, ये अपराध छुपाना चाहते हैं, ये क्राइम छुपाना चाहते हैं। अगर इन्होंने सही काम किया होता क्या जरूरत थी मेरे को रोकने की? आज इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर, आज दिल्ली को गैंगस्टर कैपिटल के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। कौन आएगा दिल्ली के अंदर अगर इस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर खुलेआम घूमेंगे? और ये उनके घर के कुछ, अमित शाह जी के घर के चंद किलोमीटर के दायरे में हो रहा है, 20 से 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर हो रहा है। गोविंदपुरी में 23 नवंबर को पुलिस कांस्टेबल किरण पाल, 28 साल का किरण पाल था, उसकी चाकू गोद गोद के हत्या कर दी गई अमित शाह जी के घर से 13 किलोमीटर की दूरी पे। 31 अक्टूबर को फर्श बाजार में गैंग वार हुआ जिसमें 2 लोग मारे गए शूटिंग में, 14.5 किलोमीटर अमित शाह जी के घर से दूरी पे। 21 अक्टूबर को करोल बाग में एक महिला को किडनैप करके उसका बलात्कार कर दिया गया, मात्र 9 किलोमीटर की दूरी अमित शाह जी के घर से। आज हर बिजनेसमैन और हर महिला डरे हुए हैं। बिजनेसमैन के साथ मॉडस ऑपरेंडी ये है कि पहले उसके पास कॉल आती है, उसको कहा जाता है इतने पैसे यहां पहुंचा दे, और खबरदार, ये जो मैं बता रहा हूं ये तो वो सारे आंकड़े हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड में है, इससे 3-4 गुना आंकड़े तो वो होंगे जो पुलिस को बताया ही नहीं बिजनेसमैन ने। किसके पास कॉल आती है और उसको कहा जाता है इतने करोड़ रुपए वहां पहुंचा दे और पुलिस को मत बताइए, खबरदार जो पुलिस को बताया तो तेरे फलाने फलाने को मार देंगे। आधे से ज्यादा लोग तो बताते ही नहीं है। और फिर अगर वो पैसे ना पहुंचाए तो अगले दिन उसकी दुकान के ऊपर कोई फायरिंग करने पहुंच जाता है। पूरे दिल्ली के अंदर एक ऐसी साइकिल बन गई है, बिजनेसमैन बिजनेस छोड़ छोड़ के दिल्ली के बाहर जा रहे हैं, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, और जो बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं वो अब इन शूटरों और गैंगस्टर्स के साथ ज्वाइन करते जा रहे हैं। 17-17 साल के बच्चे 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए के अंदर गोलीबारी और शूट आउट और मर्डर करने के लिए तैयार बैठे हैं दिल्ली के अंदर। ये ऐसी खतरनाक साइकिल दिल्ली के अंदर बनती जा रही है जिसको देख के सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है, अमित शाह जी को बताना पड़ेगा कि लॉरेंस बिश्नोई को क्या भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम संरक्षण दे रखा है। वो केवल भारत भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर वहां से पूरे अपना अपना सारा काम चला रहा है, साबरमती जेल से कैसे चला रहा है वो, उसको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है साबरमती की जेल के अंदर, दिल्ली के अंदर वो कर रहा है, कनाडा के अंदर कर रहा है, अमेरिका के अंदर कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर वो अपना कारोबार चला रहा है, कैसे चला रहा है वो, क्या उसे बीजेपी का संरक्षण मिला हुआ है? अमित शाह जी को जवाब देना पड़ेगा कि अपराधी इतना बेखौफ क्यों हो गए हैं। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने मीटिंग ली दिखावा करने के लिए दिल्ली पुलिस के अफसरों के, पिछले शुक्रवार को आए थे यहां पे दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पे, आके कहते हैं जीरो टॉलरेंस करना है। कहां जीरो टॉलरेंस? अब ये भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, जीरो टॉलरेंस कहां? जीरो टॉलरेंस है, पूरी दिल्ली के अंदर गैंगस्टर्स का राज हो गया है। एक बिजनेसमैन ने बताया कि जब अपना सालाना वो बनाते हैं, अब उन्होंने प्रोटेक्शन मनी भी अपना डालना चालू कर दिया, साल का अकाउंट बनाते हैं ना ये बेचारे, अपना प्रोटेक्शन मनी भी डालना चालू कर दिया है। एक ग्रेटर कैलाश का एक व्यापारी है, उसने बताया उनका पुश्तैनी धंधा था, बाप दादा पड़दादा का धंधा था, इतनी फिरौती की कॉल्स आई बंद कर दिया उन्होंने धंधा। कैसे लोग धंधा करेंगे दिल्ली के अंदर, कैसे लोग जिएंगे दिल्ली के अंदर? एनसीआरबी का डेटा है, पिछले एक साल के अंदर किडनैपिंग की घटनाएं 40% बढ़ गई हैं दिल्ली के अंदर, और फिरौती और वसूली की घटनाएं 55% बढ़ गई हैं दिल्ली के अंदर। बिश्नोई गैंग, भाऊ गैंग, नंदू गैंग, बवाना गैंग, गोगी गैंग, ताजपुरिया गैंग, महल गैंग, लगभग दर्जन भर गैंग दिल्ली के अंदर है। कोई बता रहा था इन्होंने अपने एरिया बांटे हुए, पता नहीं एरिया बांटे हुए क्या इन्होंने किया हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया को पता है, सारे अखबार वालों को पता है क्या चल रहा है। अमित शाह जी को नहीं पता कि दिल्ली में क्या चल रहा है, अमित शाह जी सोए में मूक बन के देख रहे हैं। वो सैकड़ों शूटर खुलेआम घूम रहे हैं, कोई डर नहीं है, शूटिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के उस पे सोशल मीडिया पे डालते हैं लोगों को डराने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए, और खुलेआम चुनौती दे रहे हैं दिल्ली पुलिस को, खुलेआम चुनौती दे रहे हैं अमित शाह को, जो करना है कर लो, और ये चुप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। किसके पास जाए दिल्ली की जनता, सुरक्षा किससे मांगे दिल्ली की जनता? 28 सितंबर को
24 घंटे में 3 अलग अलग जगह गोलीबारी की घटनाएं घटी हैं दिल्ली के अंदर, 3 अलग अलग जगह गोलीबारी की घटनाएं। नरेना में कार शोरूम के अंदर गोलीबारी की घटना घटी, साउथ वेस्ट दिल्ली में एक होटल के अंदर गोलीबारी की घटना घटी, एक मिठाई की दुकान के अंदर गोलीबारी की घटना घटी। चल क्या रहा है दिल्ली के अंदर? 11 गैंग सक्रिय हैं, व्यापारियों ने साउथ वेस्ट दिल्ली ले लो, द्वारका ले लो, ग्रेटर कैलाश ले लो, अलीपुर ले लो, नांगलोई ले लो, ऐसे लगता है जैसे इन्होंने अपने इलाके बांट रखे हैं। नवंबर के फर्स्ट वीक में 7 अलग अलग इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक इस साल में 160 फिरौती की कॉल आ चुकी है, जो कि लगभग हर दूसरे दिन एक कॉल आ रही है, हर दूसरे दिन एक फिरौती की कॉल आ रही है। और दिल्ली पुलिस के अपने रिकॉर्ड्स के हिसाब से पिछले साल से डबल हो गई है ये घटनाएं। तो अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, ये जीरो टॉलरेंस के खोखले भाषणों से काम नहीं चलेगा। जब दिल्ली को सुरक्षा की जरूरत थी तब अमित शाह जी राजनीति कर रहे थे, जब दिल्ली के व्यापारियों को सुरक्षा की जरूरत थी तब अमित शाह जी खोखले वादे कर रहे थे, और जब हमारी दिल्ली की माएँ गैंगवार में अपने बच्चों को खो रही थी तो अमित शाह जी जाके चुनावी रैलियां अटेंड कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कितनी और मौत के बाद आप जागोगे? कितने और व्यापारी दिल्ली छोड़ के जाएंगे जिसके बाद आपकी नींद खुलेगी? अब दिल्ली की जनता सुरक्षा के लिए किसके पास जाए? या तो आप जाग जाओ या दिल्ली की जनता को फिर कुछ करना पड़ेगा आपको जगाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।